एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द एम्स पीएचडी एग्जामिनेशन जनवरी 2022 सेशन। तो एम्स ने फिलहाल ही में अपना एक नोटिफिकेशन निकाला है जिनमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेने वाले हैं और वो होगा फॉर सेशन जनवरी 2022। तो उसी का सारा डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। ऑल्दो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरे प्रोस्पेक्टस को एक बार डाउनलोड करके जरूर पढ़ें, बिकॉज प्रोस्पेक्टस काफी ज्यादा लॉन्ग है, 61 पेजेस की है। सारा रीड करना मेरी तरफ से तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देने वाली हूँ। लेकिन क्योंकि अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको एक बार प्रोस्पेक्टस को रीड करना बहुत जरूरी है, स्पेशली वो पोर्शन जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले तो आपको phdaimsexam.ac.in इस वेबसाइट पे आना है कि यहाँ पे आपको सारा जनरल लिंक मिल जाएगा, जैसे कि नोटिफिकेशन कहाँ पे दिया गया था, एडवर्टाइजमेंट, प्रोस्पेक्टस, सब चीजें, रजिस्ट्रेशन भी आप यहीं पे कर सकते हो। हम इसके बाद एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं। एडवर्टाइजमेंट पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि इन्होंने कब एडवर्टाइज किया था। सो एज पर द मेंशनिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अंसारी नगर, न्यू दिल्ली, एग्जामिनेशन सेक्शन एडमिशन नोटिस दे के रखा है। सो इट इज फॉर द एम्स पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2022 सेशन। मेंशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन थ्रू द ऑनलाइन मोड दैट इज सीबीटी मोड फॉर एडमिशन इन द पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2022 सेशन। द डिटेल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन करके रखे हैं। सबसे पहले है कि जो डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा फॉर द एप्लीकेशन, वो अगर कोर्स के नाम की बात करें तो ये होगा पीएचडी प्रोग्राम। ये ओपन हो चुका है 10th ऑफ फरवरी से और क्लोज हो जाएगा 24th ऑफ फरवरी एट 5 PM। यानी आप कह सकते हो कि आपके पास टोटल 5 दिन का टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए। एंट्रेंस एग्जाम के डेट की बात करें तो कोर्स का नाम होगा पीएचडी प्रोग्राम और डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा 12th of March 2022, दैट इज ऑन सैटरडे। टाइमिंग रहेगी 10 AM to 11:30 AM, यानी ये लगभग 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। फॉर प्रोस्पेक्टस डिटेल इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा प्लीज विजिट द वेबसाइट जो कि यहाँ मेंशन है। ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द वेबसाइट रेगुलरली सिंस ऑल द सब्सिक्वेंट अपडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट ओनली। तो जितना कुछ भी है रिगार्डिंग दिस एम्स पीएचडी प्रोग्राम, सारा नोटिफिकेशन इनके वेबसाइट पे ही अपलोड होगा विद टाइम। तो ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करते रहें। अब वापस से मैं इसी पेज पे आ गई हूँ जहाँ पे मेंशन है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं 61 पेज का है टोटल, तो इतना आसान नहीं है इसको रीड आउट करना। तो सबसे पहले जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें। आप किसके लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए एलिजिबल नहीं है, इन सब चीजों को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं फिर भी एक रफ आइडिया दे रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर बात की जाए, अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि होगा एग्जामिनेशन पैटर्न की समरी, क्योंकि ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है, यानी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आप क्वालिफाई करते हो तो आपको पीएचडी के लिए अलाउ कर दिया जाएगा एम्स दिल्ली में। अब यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम लेने वाले हैं उसका पूरा समरी दे के रखा है। जैसे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट विल बी सीबीटी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगा दैट इज 90 मिनट, दैट मीन्स 1 hour 30 minutes का। डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा 12th of March 2022, दैट इज सैटरडे। सेंटर जो होगा एग्जामिनेशन का वो होगा दिल्ली एनसीआर ओनली। नंबर ऑफ शिफ्ट जो होंगे एग्जाम के वो सिर्फ एक होंगे। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन होगा 10 AM to 11:30 PM। लैंग्वेज पेपर का इंग्लिश दिया जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये आपके स्टेज 1 and stage 2 पे मेंशन होंगे, 30 and 40, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल 70। टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो होंगे मल्टीपल चॉइस MCQs। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दिया गया है कि पहला डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है फॉर मेडिकल डेंटल नर्सिंग कैंडिडेट्स, यानी जो कैंडिडेट्स मेडिकल डेंटल या नर्सिंग एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। एप्टीट्यूड रिलेटेड टू कवरिंग इंग्लिश वो होगा 30 क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड 40 क्वेश्चंस होंगे। जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने मास्टर कर रखा है, ठीक है, आपका कोई भी बैकग्राउंड डेंटल मेडिकल या फिर नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है, तो आप नॉन मेडिकल कैटेगरी में चले आएंगे। तो नॉन मेडिकल जो कैंडिडेट्स होंगे उनका एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश वो होगा, उसमें भी टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे। और सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 40 होंगे। मार्किंग स्कीम जो है वो होगी, करेक्ट आंसर पे आपको +1 मिलेगा और इनकरेक्ट आंसर पे 1/3 माइनस हो जाएगा।
अनआंसर्ड या फिर मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन पे आपको जीरो मिलेगा, नॉट आंसर पे ऑब्वियसली जीरो मिलेगा। अब मेथड ऑफ कट ऑफ देख लेते हैं। एटलीस्ट 35 मार्क्स इन स्टेज वन स्टेज टू कम्बाइन टू बी एलिजिबल फॉर द स्टेज थ्री। स्टेज वन एंड स्टेज टू जो है यानी 30 प्लस 40 मार्क्स का जो कॉम्बिनेशन है उसमें लगभग आपके 30 मार्क्स आने जरूरी हैं, तभी आगे जाकर आप थर्ड स्टेज के लिए एलिजिबल हो गए। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट में टाई हो गया है ड्यूरिंग द मार्क्स ऑब्टेनिंग, तब क्या होगा? द टाई केस विल बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द एज दैट इज डेट ऑफ बर्थ। द ओल्डर कैंडिडेट शैल गेट द प्रिफरेंस ओवर द यंगर कैंडिडेट्स। तो टाई को ऐसे रिजॉल्व किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीट अवेलेबिलिटी के बारे में एज वेल एज डिपार्टमेंट के बारे में। तो यू कैन सी हियर द नंबर ऑफ समरी और द नंबर ऑफ सीट यहाँ मेंशन है। यहाँ पे डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, अगर हम ओवरऑल देखें तो आई थिंक द डिपार्टमेंट इज अप्रॉक्स 35। ओके, अब इस डिपार्टमेंट में से आपको सिलेक्शन करना है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म भरना है, मेन चीज ये हो गई। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ मेंशन करके रखा है कि कितनी सीट अवेलेबल है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, यहाँ पे मेंशन है। जो पहला वाला कॉलम है इसमें मेंशन है सीट अवेलेबल टू ऑल द कैंडिडेट्स, दीज सीट्स हैव फंड्स अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट। ओके, तो प्रोजेक्ट में जो फंड्स अवेलेबल है वो जो कि ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन के थ्रू पे किए जाते हैं, जिस प्रोजेक्ट में आप पार्ट लोगे तो वो आपको जो फेलोशिप देगी उसके बेसिस पे इतनी सीट्स अवेलेबल है जो कि यहाँ मेंशन है। लेकिन अगर आपके पास अपना गवर्नमेंट फेलोशिप है, अलग अलग नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर करके आपके पास खुद का फंडिंग है, तो आपका इतना सीट एलिजिबल होगा या फिर इतना सीट अवेलेबल रहेगा। टोटल सीट आप देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में आते हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पर्टिकुलर सीट्स देख सकते हो दोनों कॉलम में। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी मेंशन करके रखी है। अगर आप एनाटॉमी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है तो आपका सब्जेक्ट कोड क्या होने वाला है, कितनी सीट होने वाली है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने यहाँ मेंशन करके रखी है। प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होगा, जो पीएचडी के लिए आप एडमिशन ले रहे हो उसके लिए प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होगा वो भी यहाँ पे मेंशन है। प्रोजेक्ट का कोड और कौन फंड करेगा यहाँ पे मेंशन है। तो जैसे कि बोला गया था कि आपके पास या तो अपना फंडिंग होना चाहिए या तो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा। तो एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आपके पास अपना फेलोशिप नहीं है तो ये सारे इंस्टीट्यूट जो एक पर्टिकुलर आप प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होगे एज वेल एज क्लियर करोगे आप एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग फंडिंग एजेंसी जो है यहाँ पर वैरी होती रहेंगी। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है और वो जो है कोड नंबर FA1 के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MSc इन लाइफ साइंस, MSc इन एनाटॉमी, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc इन बायो मेडिकल साइंस, MSc इन न्यूरो साइंस, MBBS और BDS। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है, मतलब इनमें से कोई भी एक हो चलेगा। नेक्स्ट, ए कैंडिडेट विद एन MSc डिग्री मस्ट हैव क्वालिफाइड CSR, UGC नेट और गेट और एनी नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आपके पास कोई ना कोई एक नेशनल लेवल एग्जाम होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर कोड नंबर, वो फंडिंग भी हो सकता है नॉन फंडिंग भी हो सकता है, लेकिन आपके पास कोई नेशनल लेवल की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे मेंशन करके रखा है। प्रोजेक्ट का टाइटल होगा द एक्सपेरिमेंटल स्टडी टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ क्रोडियल कैपिलरी डेथ इन एजिंग आईज विद एम्फसाइज ऑफ मैक्रोफाज एंड अदर इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स, और इसको फंड करेगा ICMR। इसी तरीके से जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरेस्टेड है उस डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जितने हमने 24 डिसिप्लिन देखे हैं या डिपार्टमेंट देखे हैं सभी से रिलेटेड यहाँ पर सारा ऑप्शन मेंशन है। तो आपको जैसे मैंने कहा आप जिसमें इंटरेस्टेड है उसका आप रीड आउट कर सकते हैं। मैं आपको एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ कि कौन से बच्चे के पास क्या रहने पे वो एलिजिबल लगभग हो जाता है, बट फिर भी आपका काम है अपने एंड से कि जिस डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं उस डिपार्टमेंट के लिए आप स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल वर्जन में एज वेल स्पेसिफिक वर्जन में इस प्रोस्पेक्टस से पढ़ लें। फिर भी मैं आपको एक जनरल क्राइटेरिया बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो ओपन कैंडिडेट्स के लिए, सो अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द कोर्स ऑफ स्टडी लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ डिग्री ऑफ डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी मस्ट पोजेस एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दिया है उनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन है तो वो किस किस में होना चाहिए, आपके पास MBBS / BDS विथ 55% एग्रीगेट मार्क्स और MD, MS, MDS, DM, MCH इन द सब्जेक्ट कंसर्न और डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, इनमें से कोई भी एक होगा आपकी एलिजिबिलिटी तो
आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं. कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड एनी ऑफ दीज डिग्री फॉर मेडिकल कॉलेजेस विच आर नॉट रिकॉग्नाइज बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई. मेक श्योर आपकी जो डिग्री है वो एक ऐसे कॉलेज से होना चाहिए जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हो या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, उससे आपका ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए. अगर आपका कॉलेज इस कैटेगरी में नहीं आता है तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल नहीं है, चाहे आपके पास ये डिग्रियां ही क्यों ना हो. नेक्स्ट आता है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए नर्सिंग क्वालिफिकेशन. द कैंडिडेट्स होल्डिंग एमएससी डिग्री विथ मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स इन नर्सिंग स्पेशलिटी विल शैल बी एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन इन द कॉलेज ऑफ नर्सिंग. तो ये नर्सिंग के लिए क्वालिफिकेशन दे दिया है. अब आते हैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो कि आपके इंटरेस्ट का हो सकता है. अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, आपका कोई भी लेना देना मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो फॉर द नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी शैल बी मास्टर डिग्री 2 ईयर, जो कि 2 ईयर कोर्स होता है, अवॉर्डेड बाई इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन द सब्जेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. सो कैंडिडेट्स होल्डिंग एमएससी अदर देन एमएससी नर्सिंग एमटेक डिग्री एंड बीएएमएस विल बी एलिजिबल फॉर द नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन कैटेगरी. कैंडिडेट्स हैविंग एलिजिबिलिटी अंडर नॉन मेडिकल कैटेगरी शैल हैव टू एटलीस्ट 60% मार्क्स इन लास्ट एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड. आपने अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं या फिर आपने एमटेक की डिग्री ले रखी है या फिर आपके पास बीएएमएस की डिग्री है अदर देन एमएससी नर्सिंग, इसमें एमएससी नर्सिंग की नॉन मेडिकल फील्ड में एमएससी नर्सिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास अगर गिवन डिग्री है और साथ ही साथ आपका जो लास्ट क्वालिफाइड एग्जाम था उसमें आपके 60% मार्क्स कंपलसरी हैं, यानी अगर आपने एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएट की अगर हम बात करते हैं तो आपके कम से कम 60% मार्क्स उसमें होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हो. कैंडिडेट्स पोजेसिंग मास्टर डिग्री थ्रू डिस्टेंस लर्निंग कोर्स शैल नॉट बी एलिजिबल. अगर आपने एमएससी डिस्टेंस एजुकेशन से किया है तो आप एलिजिबल नहीं है. स्पेशल वेटेज दिया जाएगा नॉन मेडिकल स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया, जो कि आप रीड कर सकते हैं. और अगर आप स्पेशल वेटेज लेना चाहते हैं तो यहाँ कुछ क्राइटेरिया मेंशन है, आप इसे पढ़कर आप एक बार देख सकते हैं कि आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं या आप उसको फुलफिल कर सकते हैं या नहीं. नेक्स्ट, अगर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की बात करें, यानी कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा, तो ड्यूरेशन जो है कोर्स का वो डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन से लेके आपके थीसिस सबमिशन तक का हो सकता है. सो द मिनिमम पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी शैल बी 3 ईयर्स. द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी एक्सीड 5 ईयर्स. एक्सटेंशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 5 ईयर कैन बी गिवन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डीन कमिटी एंड फाइनल अप्रूव बाई द डीन एंड डायरेक्टर. तो इनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन से लेकर थीसिस सबमिशन तक का जो टाइमिंग मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो होगा 3 ईयर्स का. अगर आपका काम बहुत ज़्यादा अगर एक्सटेंड होता है तो मैक्स टू मैक्स इसको 5 ईयर तक किया जा सकता है, जो कि जनरली होता है. 3 ईयर ने मेंशन तो किया है, लेकिन काम वगैरह मतलब पीएचडी वर्क ऐसा होता है कि वो आपकी थिंकिंग के बेसिस पे नहीं चलता, इट्स डिपेंड अपॉन कि आपको रिजल्ट कैसा मिल रहा है. इफ़ यू आर गेटिंग योर रिजल्ट फास्ट, ऑब्वियसली आपकी पीएचडी 5 ईयर से पहले भी कंप्लीट हो सकती है. लेकिन आपका अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसमें सक्सेस आपको नहीं मिल रही, आप सक्सीड नहीं हो पा रहे हो अपने रिजल्ट में, तो वो एक बहुत अच्छा खासा लंबा टाइम खींच लेता है. तो वही इन्होंने मेंशन किया है कि एक सीड हो सकता है 5 ईयर्स तक, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, और उससे ज़्यादा की जरूरत पड़े तो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ एक्सीड हो सकता है एज पर वॉट दे हैव मैंशन. और अगर बहुत एक्सट्रीम केस आता है तो ये जो आपका 5 ईयर 6 मंथ है उससे और एक्स्ट्रा 6 मंथ दे सकते हैं, यानी अगर ओवरऑल कहें तो मैक्स टू मैक्स आपको 6 ईयर्स मिल सकता है, लेकिन सबको नहीं, डिपेंड करता है आपके पास कोई और मेडिकल ऐसे कंडीशन हो तब आपको एक्स्ट्रा 6 मंथ मिल सकता है. बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में मेंशन है. और अगर हम लास्ट सिलेक्शन की बात करें तो जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा वो कैसे होगा. कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर 50 मार्क्स इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 इंक्लूडिंग द स्पेशल वेटेज एंड 3 कंबाइंड दैट इज 50 out of 100. तो आपका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ये सब मिला के 100 में से 50 होना चाहिए, वही बच्चे एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए एंड शैल इंक्लूड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट. इफ अ कैंडिडेट इज अवॉर्डेड स्पेशल वेटेज मार्क्स बेस्ड ऑन द सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स दैट आर सब्सिक्वेंटली फाउंड टू बी इनएलिजिबल, द स्पेशल वेटेज मार्क्स अवॉर्डेड विल बी विदड्रॉन एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी रिकैलकुलेटेड. ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हो गए. आपको बाकी सारे इंस्ट्रक्शन इसी में मिल जाएंगे, इसी पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस से मिल जाएंगे, तो आप इसको प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले. रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वापस से इसी वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप.
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, इसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और फॉर्म भरना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की भी ऑब्वियसली फी है, पहले फी थोड़ा सा ज्यादा था अगर हम बात करते हैं तो, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है। अगर हम रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो पहले इनकी रजिस्ट्रेशन फी काफी अच्छी खासी थी, जो कि थी 4,250 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस अगर एप्लीकेबल हो तो। इन्होंने क्या किया, इसको दोबारा से रिवाइज किया है 16th of Feb को। तो मेंशन है, रिवाइज ऑफ रजिस्ट्रेशन फी फॉर PhD प्रोग्राम एंट्रेंस एग्जाम January 2022 सेशन। अगर हम फी की बात करें तो पहले इनके प्रोस्पेक्टस में अगर आप देखोगे तो फी इतनी मेंशन है, लेकिन अभी फिलहाल में जो है, और PWBD स्टूडेंट जो है एग्जेम्प्टेड है फी के मामले में, और बाकी एप्लीकेंट के लिए 4,250 इतना फी है, और साथ ही साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं तो वो भी लग रहे थे। इसके बाद इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन फी को रिवाइज किया, जनरल एज वेल एज OBC कैटेगरी के लिए ये जो फी है वो है 1,500, अगर ट्रांजेक्शन चार्ज एप्लीकेबल होते हैं तो वो एक्स्ट्रा लगेंगे, और SC ST EWS कैटेगरी के लिए इट इज 1,200, और अगेन एक्स्ट्रा चार्जेस अगर एप्लीकेबल है तो वो भी लगेंगे, और PWBD कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्टेड है। एक्स्ट्रा फी पेड एज पर अर्लियर नोटिफिकेशन विल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अगर मान लीजिए जब इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला था, ये वाला, मतलब कि सबसे पहले अगर आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे ना तो उसमें आपको 4,250 फी दिखेगी, रजिस्ट्रेशन फी, जो कि इन्होंने बाद में रिवाइज कर दिया है यानी चेंज कर दिया। मान लीजिए जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला उसी दौरान अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो आपने 4,250 फी भरा होगा, तो इन्होंने यही बोला है कि ये जो आपने एक्स्ट्रा फी भर दिया है और बाद में इन्होंने इसको चेंज कर दिया है, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फी आपने भरा है वो आपको वापस से रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उस टाइम तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और रिवाइज फी के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो सीधी सी बात है आप इतना फी पे करोगे। तो मेरी तरफ से जितना भी पोर्शन था जो मैं कवर कर सकती थी रिगार्डिंग दिस एम्स PhD प्रोग्राम वो मैंने कवर कर लिया, लेकिन जैसे मैंने कहा प्रोस्पेक्टस बहुत ज्यादा ह्यूज है, आपको एक एक डिटेल वहां पढ़नी पड़ेगी। अगर आप नॉन मेडिकल है तो बेटर है आप नॉन मेडिकल वाला ही सिर्फ एरिया पढ़िए, और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ मेडिकल वाला एरिया पढ़े, क्योंकि उन्होंने मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए वहां पे दे के रखा है। सारी चीजें वही मेंशन है कि आपको पोर्टल कैसा मिलेगा, एग्जाम एग्जाम का जो इंटरफेस होगा वो कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन का मैंने यहाँ पे आपको पेज भी ओपन करके दिखा दिया, ऑल्दो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पुट ऑन कर दूंगी। तो यहाँ भी मैंने मेजर मेजर चीजों को कवर अप किया है, बाकी सब चीजों को आप जो है देख सकते हैं इन द प्रोस्पेक्टस इटसेल्फ। सबसे कमाल की बात इसमें यह है कि आपके पास खुद का फंडिंग है तो भी आप एलिजिबल हो, आपके पास खुद का फंडिंग नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो वहां से आपको इंस्टीट्यूट के थ्रू भी फंडिंग्स मिल सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी, आज से आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि सिमिलर टाइप की अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला।